Namam Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Tinamine Namaste Sarasat Deve Gauravani Pracharine Nirvishesa Sunyavadi Paschade Satarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Om Namocharanamahatmyam Harehe Pashyataputrakaha Ajamilopi Jenaiva Mrityupashadamuchyata Etavata lomaghanir harana yapunsam Etavata lomaghanir harana yapunsam Samkirtanam bhagavato gunakarma namna Samkirtanam bhagavato gunakarma namna Vikrushya putra maghavan jadajamilopi Vikrushya putra maghavan Narayane timriya madayaya muktim Narayane timriya madayaya muktim Prayera veda tadidam namaha janoyam Prayera veda tadidam namaha janoyam Divya vimohit matir batamaya yalam Divya vimohit matir Trayam jadi kritamatir madhupushpitayam Trayam jadi kritamatir madhupushpitayam Vaitanike mahati karmani yujyamanah Vaitanike mahati karmani yujyamanah Evam vimrishya sudhiyo bhagavatyanante Evam vimrishya sudhiyo bhagavatyanante Sarvatmana vidadate khalu bhava yogam Sarvatmana vidadate khalu bhava yogam Te mena dandam arhantyatha jadyamisham Te mena dandam arhantyatha jadyamisham Syat patakam tadapiham turgaya vadaha Syat patakam Namocharan Mahatmyam Namocharan Mahatmyam Namocharan ki Mahima Namocharan ki Mahima Hare Hare Hari ke Pashyata Dekho Dekho Vichar karo Vichar karo Putra kaha Putra kaha He mere duto He mere duto Ajamilah yapi Ajamilah yapi Ajamil bhi महापात की भी जेना जेना जिससे जिससे एवा एवा केवल नामोच्चारण मात्र से ही मृत्युपाशात मृत्युपाशात मृत्युपास से अमुच्यता छूट गया छूट गया
नात्र प्रमाणम वक्तव्यम दृष्टत्वादित्या। तो श्री जमराज जी बता रहे हैं कि श्लोक में जीवों का बस इतना ही धर्म है कि भगवान का संकीर्तन किया जाए, नाम जप किया जाए और भक्ति के अन्य अंग, और इसके द्वारा भगवान श्री कृष्ण में प्रेम उत्पन्न कर लिया जाए, यही धर्म है जीव का। यह कैसे, ये प्रश्न हो सकता है, तो बहुत सरल बात आप बता रहे हैं। ये तो हम मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण में प्रेम हो जाए, जमराज जी के दूत मान लीजिए कहते हैं कि श्री कृष्ण में प्रेम होना, ये हम मान लिया कि ठीक है जीवन का लक्ष्य, लेकिन नाम उच्चारण मात्र, नाम ही सबसे प्रधान है, तन्नाम ग्रहणाद भी। तब जमराज जी कहते हैं कि हे पुत्र, बड़े प्रेम से संबोधन कर रहे हैं मेरे दूतों, इस विषय में कि भगवान का नाम ही मुक्ति का कारण है, प्रेम देने वाला है, कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि प्रमाण शास्त्रों में भरे पड़े हैं, लेकिन यहां देने की क्या जरूरत है, प्रत्यक्ष किम प्रमाण, तुम लोग तो देह कराए हो ना, देह कराए ना कि नाम बोलने के कारण मृत्यु पास छूट गया। अगर केवल सुनी हुई बात मैं कहता, तुमको सुनाता, तो शायद तुम लोगों को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन तुम लोग तो देख करके आए हो। नामोच्चारण महात्म्य हम हरे पश्यत पुत्र का, हे पुत्र का है, अपने दूतों को बड़े ही स्नेह से संबोधित कर रहे हैं। यह है महान पुरुषों का स्वभाव, वे अपने साथ रहने वाले, सेवा में रहने वाले को ऐसे नौकर नहीं कहा करते हैं। शब्द अच्छा नहीं लगता है। जमराज जी अपने सेवकों को पुत्र का कह रहे हैं और क लगा रहे, पुत्रा न कहकर पुत्र का, ये और भी कोमल संबोधन है, जैसे बाल में बालक लगा रहता है तो और अधिक सुकुमारता प्रकट होती है, और ज्यादा स्नेह प्रकट हो रहा है, हे मेरे पुत्र। और कभी कभी किसी को मैंने ऐसा सुना है, देखा भी है, कोई पूछता है वो कौन आदमी, वो मेरा सर्वेंट है, ऐसे बोलते, तुम्हारा सर्वेंट, आज सर्वेंट है कल हो सकता है कि तुम्हारा मास्टर हो जाए, ऐसा होता है संसार में। जब भरत जी के प्रसंग में यही बात है, राजा रघुगण कहते हैं कि मैं राजा हूं, अतः राजा का कर्तव्य है कि कोई प्रजा गलती कर रही है तो उसको डांटे मारे। तो जब भरत जी कहते हैं कि आज तुम राजा हो, कल हो सकता है कि तुम्हारे ऊपर कोई राजा हो जाए, तब तो व्यवहार बदल जाएगा। तुम राजा की बात करते हो, मैं भी एक दिन राजा था कि तुम्हारे जैसे राजा मेरे सेवक थे, तो स्थिति बदल जाती है। मैं भी पहले भरत नाम का राजा था, सुना होगा तुमने नाम, इतना सुनते ही राजा रघुगण तो चकित हो गए, बाप रे बाप क्या हुआ। तो जमराज जी अपने दूतों को पुत्र कह रहे हैं। वास्तव में राजा के लिए प्रजा और गुरु के लिए शिष्य और भी स्वामी के लिए सेवक, ये सब पुत्र जैसे है। भागवत में बार बार लिखा गया किसी राजा के विषय में कि वे प्रजा का पालन पिता माता जैसे किए, जैसे माता पिता अपने संतान का पालन करते हैं वैसे प्रजा का पालन किए। स्पष्ट संबोधन, हे पुत्र कहा, हरे है नामोच्चारण महात्म्यम पश्यता, यहां पश्यता का अर्थ विचार करो, ऐसा नहीं है कि वो पूरी घटना अब टेलीविजन पर दिखाई जा रही है कैसे कैसे भगवान के दूत आए और मुक्त हो गए, यहां पश्यता का अर्थ देखो, विचार करो, विचार करो अब इस विषय में क्या शास्त्र सुनना है और सुनना है, देख करके आए। इसलिए श्रीधर स्वामी जी कहते हैं न अत्र प्रमाणम वक्तव्य दृष्टत्व, ये तो देखी हुई बात, और हिंदी में कहते भी हैं प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, जो वस्तु सामने है उसके लिए और दूसरा प्रमाण क्या जुटाना है,
भगवान नाम की महिमा हजारों श्लोक हैं शास्त्रों में, लाखों श्लोक हैं, वो तो छोड़ो, तुम लोग देख कर आए ना, गए थे बांधने के लिए, बांध भी दिए थे, और कैसे मुक्त हो गया, हरि के श्री कृष्ण के नाम के उच्चारण से, तो अब इससे ज्यादा महिमा क्या देखोगे, क्या प्रमाण दूं मैं, तो नामोच्चारण महात्म्यम हरे पश्यत पुत्र का, अजामिल अपि जे नैव मृत्युपाशाद अमुच्यत, अरे अजामिल भी, बाप रे बाप, इतना बड़ा पापी, अजामिल अपि, जमराज जी स्वयं संदेह, स्वयं बहुत चकित तो नहीं है, क्योंकि नाम की महिमा तो जानते हैं, तो कहते हैं अजामिल भी, अर्थात अजामिल जैसा महापातकी भी, जेना एवं जिससे ही, अर्थात केवल नाम बोलने से मृत्यु पास से मुक्त हो गया, केवल नाम बोलने से, अब तो समझ में आया ना तुम लोगों का, यहां तुम लोग रोज जुट करके शाम सुबह कीर्तन किया करो जमराज जी के कहने का आशय ये था, नरक में भी भगवान के नाम का कीर्तन होना चाहिए, जो सुनेंगे तो पातकियों का उद्धार हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं वहां कोई नाम न सुनाने पावे, नहीं तो उनका पाप कट जाएगा जमराज जी कहते देख लिया ना, तब जमराज के दूत अचौक गए, अरे वो तो अपने पुत्र का नाम लिया ना, तो भगवान का नाम लिया नहीं, वो तो नामाभास कहा जाएगा, वे समझ रहे थे कि नामाभास, नामाभास का अर्थ है किसी वस्तु के बदले में भगवान का नाम ले लेना, किसी व्यक्ति का नाम लेना वो भगवान के नाम से मेल खा रहा, तो उसको नामाभास कहते हैं, वास्तव में व्यक्ति नाम का उच्चारण नहीं किया, नामाभास का उच्चारण किया, जैसे सूर्य उगने से पहले क्षितिज के अंदर रहता है तो उसका आभास आता है, सूरज नहीं अभी आया है, सूरज का प्रकाश आ जाता है, उसी तरह से कहीं कहीं किसी दूसरे का नाम व्यक्ति बोल रहा है लेकिन वो नाम है भगवान का और उसके लिए बोल रहा है, तो वह भी भगवान के नाम का उच्चारण माना जाएगा, नामाभास का उच्चारण, तो नामाभास से सर्व पाप क्षय हो जाते हैं, ये नाम की महिमा है, जैसे सूरज सामने नहीं आया है फिर भी अंधकार नष्ट हो जाता है, सूरज के उगने से पहले आप लोगों ने देखा है, तो इस प्रकार किसी भी तरह से भगवान के नाम का उच्चारण हो तो सर्व पाप क्षय होगा ही, तो जमराज के दूत तो बहुत आश्चर्य में पड़ गए, कैसे नामाभास से सभी पाप की निवृत्ति हो जाएगी, तो जमराज जी कहते हैं कि भगवान के नाम के उच्चारण से पाप नष्ट हो जाते हैं यह एक कहना भी अपराध है, नामाभास से सभी पाप की निवृत्ति होती है, नाम के उच्चारण से पाप की निवृत्ति होती है कहना तो अति हो गया, और वास्तव में पापों को नष्ट करने के लिए भगवान के नाम का प्रयोग नहीं करना चाहिए, वो अगले श्लोक में बताते हैं, एतावताल मघ निर्हरणाय पुंसां संकीर्तनं भगवतो गुणकर्णनां विकृष्य पुत्र मघवान् जदजामिलोपि नारायणेति म्रियमाणेयाय मुक्ति, एतावत अलम, एतावता अलम, अलम का अर्थ होता है संस्कृत में निवारण, भगवान के नाम का उच्चारण पापों को नष्ट करने के लिए बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा हो गया, वो पाप नष्ट तो नामाभास मात्र से हो जाता है, पुंसाम अघ निर्हरणाय, जीवों के मनुष्यों के अघ निर्हरणाय, अघ का हरण करने के लिए, एतावता अलम, ये तो बहुत ज्यादा है, ये तो बहुत ज्यादा है, जैसे किसी के घर में अगर सियार आ जाए और चाहे चूहा निकल जाए, और मान लीजिए अपने घर में पालतू सिंह रखा हुआ है, पालतू सिंह है, तो
कोई आदमी क्या चूहे को मारने के लिए सिंह को लाएगा? अगर लावे तो उसकी बेवकूफी है। जो चूहा एक ढेला से मर सकता है, एक डंडा से मर सकता है, उसको बिल्ली भी खा सकती है, और चूहे को मारने के लिए सिंह को जाकर के लावे, ये तो बेवकूफी होगी। पापों को नष्ट करने के लिए भगवान का नाम नहीं बोलना चाहिए। वैसे नाम पाप तो ऐसे ही नष्ट हो ही जाता है नामाभास मात्र से, लेकिन भगवान के नाम का प्रयोग पाप नाश करने के लिए नहीं लगाना चाहिए, तो एक अपराध है ये सोच करके पाप नष्ट हो जाए। पाप तो नष्ट हो ही जाएगा, और कुछ नहीं करना चाहिए। यदि वास्तव में पाप हो गया है तो भगवतो गुणकर्म नाम नाम, भगवान के गुणा नाम कर्म नाम 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 का संकीर्तन, भगवान के कोई गुण गाया जाए, पद गाया जाए, वो सारे पाप तो अपने आप नष्ट हो जाते हैं। पाप नष्ट होने के बाद वास्तव में भगवान में प्रीति होने लगती है, असली लाभ ये होता है। भगवतो गुणकर्म नाम नाम, भगवान के बहुत से गुण हैं। इस संसार में देखते हैं किसी न किसी मनुष्य की कोई न कोई विशेषता होती है, सबकी अपनी अपनी कुछ विशेषता है। चाहे कोई कला जानता है, चाहे गाना जानता है, सुंदर है, विद्वान है, धनी है, ये सब गुण कहे जाते हैं। तो भगवतः गुण है, श्री भगवान के गुण है, तो अनंत है, अनंत है। एक कवि ने कहा है कि यदि संसार के समस्त विद्वान शेष शारदा और ब्रह्मा जी इत्यादि मिल करके भगवान के गुण को लिखना चालू करें और उसके लिए दुनिया की जितनी जितने भी वृक्ष हैं सबको काट कर कलम बनाया जाए और समुद्र को पूरा स्याही स्याही बना दिया जाए और दुनिया के सबसे बड़े बड़े लोग लिखना चालू करें, तब भी भगवान के गुणों को लिख करके शेष नहीं कर सकते। और पृथ्वी को ही पूरा कागज बना दिया जाए, पूरा पीस कर किसी मशीन में इसको पूरा कागज बनाया जाए और लिखने के लिए दुनिया के सारे देवता मनुष्य बैठ में सब हार जाएंगे, भगवान के गुणों को शेष नहीं कर सकते। और संकीर्तन करना चाहिए, कीर्तन करना भगवान के गुण का और कर्म का और नाम का, गुण कर्म नाम ना। ये बहुत कर्म है, जैसे गोवर्धन उद्धारण, गोवर्धन धारण, गीता का उपदेश है, कालिए के फण पर नृत्य है, दावानल पान है, उखल बंधन है, फिर विविध अवतार में भगवान ने जो जो लीलाएं किया है इसको कर्म कह, गुण कर्म नाम ना। और नाम भगवान के बहुत से नाम हैं, इनका कीर्तन करना चाहिए। लेकिन पाप नष्ट करने के लिए तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। जैसे किसी खास छोटे से क्षेत्र के अंधकार को नष्ट करने के लिए सूरज को ले जाए कोई, मान लीजिए ऐसी व्यवस्था, तो ये तो ठीक नहीं, वो तो एक दीपक से भी दूर हो सकता है। सूर्य से तो बहुत उजाला होता है, बहुत प्रकाश होता है। तो इस प्रकार नाम की बहुत महिमा है। वो कहते देखो, विकृष्य पुत्र मघवान जदजा मिलोपी नारायणे तिम्रियमाण इयाय मुक्ति। पुनः करें, जब अजामिलोपी अजामिल भी इयाय मुक्ति मुक्ति पा गया, जमपास से तो छूटा ही, भगवान का नाम लेने से वो आगे मुक्त हो जाएगा। जमराज जी के द्वारा ये सूचित हो रहा है, इयाय मुक्ति, वो मुक्त हो जाएगा। केवल जमपास से छूटना मतलब मृत्यु से बच जाना, इतना ही नहीं हुआ, कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। और अजामिल है अपी, जरा विचार करो भगवान के नाम में कितनी शक्ति है। अजामिल भी मुक्त हो गया, मतलब ऐसा व्यक्ति मुक्त जल्दी नहीं होता है। ऊपर भी अजामिल अपी करें, फिर दूसरे श्लोक में भी अजामिल है अपी, अजामिल भी मुक्त हो गया। देखो भगवान के नाम की महिमा। अजामिल अपि अर्थात महापातकी अपि, महापापी भी, और वो भी भगवान का डायरेक्ट नाम नहीं लिया, पुत्रम विकृष्य, अपने पुत्र के स्नेह से नाम लिया।
अब जो लोग भगवान के नाम को भगवान नाम समझकर श्रद्धा से लेते हैं तो उनके विषय में तो कहना ही क्या, वो तो पुत्र को पुकारा, पुत्रम भी कुर्स, और अघवान महा असुचि अशुद्ध, और वो भी म्रियमाण मरते समय लिया, मरते समय चित्त अस्वस्थ रहता है, शरीर में दर्द होता है, होश नहीं रहता है, वैसे समय में भगवान का नाम का उच्चारण किया, वही पुत्र का नाम का उच्चारण किया, फिर भी याय मुक्ति, तथापि मुक्ति पा गया। यह है भगवान नाम की महिमा। अजामिल भी मुक्त हो गया, ये औरों के लिए आश्चर्य की बात है और धर्मराज के लिए तो ये बिल्कुल स्वाभाविक हो, जानते हैं इसकी महिमा। जैसे ऐसे कहा जाए कोई दवा हो जिसका नाम सुनते ही रोगी ठीक हो जाए, चाहे ओठों से सटते ही ठीक हो जाए, चाहे हाथ से छूते ही रोग दूर हो जाए, इस प्रकार की बात। अजामिल जैसा महापात की, वो भी मरते समय घबराए हुए चित से, वो भी पुत्र के स्नेह में नाम लिया और वो मुक्त हो गया। तो जो लोग श्रद्धा से 16 माला जपते हैं वे क्यों नहीं मुक्त होंगे, यहां ये बात आ रही है। इसमें से तो कोई भी अजामिल हो ही नहीं सकता है, तो अजामिला है अभी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तब जमराज के दूतों ने पूछा कि स्वामी, जब भगवान नाम उच्चारण की इतनी महिमा है तो ये महाजन लोग जैसे जैमिनी आदि या पराशर जी जागवल्क आदि, ये लोग पापों के प्रायश्चित के लिए द्वादश आदि व्रत, कृष्ण चंद्रायण आदि व्रत और बहुत तीर्थ स्नान और दान जग ये सब क्यों बताते हैं? वे क्यों नहीं बताते हैं कि भगवान का नाम बोलो और सारा पाप कट जाएगा, सबसे बलवान साधन ये है, क्यों नहीं बताते? तब श्री जमराज जी कहते हैं, प्रायेण वेद तदिदम् न महाजनोयम् देव्या विमोहित मतिर्वतमायालम् त्रय्यां जडीकृत मतिर् मधुपुष्पितायम् वैतानिके महति कर्मणि युज्यमान। जन का अर्थ है मनुष्य या देवता जो भी, और महाजन का अर्थ होता है बड़ा जन। तो शास्त्रों के अनुसार ऐसे बहुत से महाजन हैं, महाजनो जन गत से पंथ, वास्तविक महाजन तो भगवान के भक्त हैं। जन का अर्थ होता है मनुष्य या देवता, जिसका जन्म हुआ है उसको जन कहते हैं, जो प्राकृत शरीर में आया है उसको जन कहते हैं। लेकिन इसी में कुछ लोग बड़े बड़े होते हैं बुद्धि में और ज्ञान में, पोजीशन में, शास्त्र के ज्ञान में खास करके, या धन में भी, तो उनको महाजन कहते हैं। तो जमराज जी कहते हैं कि प्रायः महाजनों की ये दशा है, अयम महाजन, ये महाजन ये प्रायः इदम न वेद, ये नहीं जानते हैं इस नाम की महिमा को। प्रायेण प्रायः नहीं जानते हैं भगवान के नाम की महिमा को। प्रायेण वेद तद इदम न, इदम न वेद, भगवान नाम उच्चारण की महिमा नहीं जानते हैं। और महाजन जानते हैं, इसीलिए प्रायेण शब्द जमराज लगा रहे हैं। तो ये जो 12 नाम गिनाए गए इनके अतिरिक्त, इनको छोड़ करके और लोग नहीं जानते हैं। और यहाँ प्रायण शब्द से तात्पर्य यह है कि जो कर्मकांड में उलझे रहते हैं उनके लिए कहा जा रहा है, जिसको क्लियर कर रहे हैं। देव्या विमोहित मति बतमायालम, माया देव्या भगवान की बहिरंगा शक्ति के द्वारा विमोहित मति, उनकी मति भ्रमित है। कहाँ भ्रमित है? त्रयाम जडी कृत मति, विमोहित मति और त्रयाम वेद के
त्रयवेद में कर्मकांड में, कर्मकांड को त्रय विद्या कहते हैं, तो कर्मकांड में जडीकृत मति अभिनिविष्ट मति रहती है। क्यों? क्योंकि मधुपुष्पित आया, मधुर पुष्पित वचन वेदों में है कि ये करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, वहां अप्सराएं मिलेगी, विमान मिलेगा, अमृत मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, इतना ज्यादा वर्णन है शास्त्रों में। भगवान गीता में भी इस बात का उल्लेख किया, मधुपुष्पिता वाचा प्रबदंत अविपश्चित अविपश्चित अविद्वान, नहीं जानकारी रखने वाले लोग वेदों के कर्मकांड विभाग की ही सराहना करते रहते हैं। यहां पर घर गृहस्थी की बहुत प्रशंसा करते हैं, वास्तव में वे लोग उसी को सफल मानते हैं जो अच्छा गृहस्थ है, खूब धन कमाया है, परिवार का पालन पोषण किया ठीक से रहा, और कोई बड़ा राजा हो गया, कुछ हो गया, तो उसका सफल जीवन ये मानते हैं। और उसके बाद यज्ञ करना, दान करना, ये सब धर्म कर्म करके फिर स्वर्ग में चला गया, तो ये है जीवन की सफलता। तो वेदों में कर्मकांड के फल को बढ़ा करके बहुत कहा गया है, तो उनको कहा गया है मधु पुष्पित आया हूं, बस पुष्पी केवल फूल भर लगा हुआ है, उसमें फल नहीं आएगा। बहुत सुंदर सुंदर कभी कभी फूल हम लोग देखते हैं, जैसे पलाश का फूल होता है, वो लाल देखने में लगता है बहुत सुंदर, लेकिन उसमें कोई सुवास नहीं होती, सुगंध नहीं होती, लाल लाल बहुत सुंदर लगता है, लेकिन फल नहीं आएगा उसमें। तो इस तरह से वेदों के जो कर्मकांड की चर्चा की गई है, तो वास्तव में जीव को स्वर्ग जाकर भी सुख नहीं मिलता है। स्वर्ग का सबसे बड़ा दुख क्या है? सतिशयता का दुख है। वहां जो ग्रेड है सुख भोगने का, इससे ज्यादा बेटर उसको मिला है, उससे ज्यादा बेटर उसको मिला है, क्योंकि पुण्यों के तारतम्य से सब कुछ मिलता है। तो हमेशा एक देवता देखता है कि उसको तो ज्यादा मिला हुआ है, उसको तो ज्यादा मिला हुआ, अपने को जो मिला है उसको भोग नहीं पाता है। तो सब यही देखते हैं, उसको बेटर चीज मिला है, उसको ही मिला है, उसको मिला। तो सुख नहीं मिलता है वहां, सातिशयता इसको कहते हैं, सौ अतिशयता, हमसे वो अतिशय है, वो ज्यादा है, वो ज्यादा है। इस संसार में भी यही ज्यादा रोग है, जितना भगवान ने दिया है उसको आदमी आनंद से भोगे तो सुखी रहेगा, लेकिन हमेशा देखता रहता है उसको ज्यादा है, उसको ज्यादा है, हमको ऐसा मिलना चाहिए, हमको ऐसा मिलना चाहिए, अब कार चलते चलते पुरानी हो गई, हमें नया मॉडल का लेना चाहिए, अच्छा वो नई भी हो तो क्या है, अब हमको ये डिजाइन चाहिए, हमको ऐसा घर चाहिए, हमको ये चाहिए, वो चाहिए। तो यहाँ तो बहुत दुख है, स्वर्ग में ऐसा दुख नहीं है, अभाव नहीं है, लेकिन ये फीलिंग जो है कि उसको बेटर भोग मिला है, उसको बेटर भोग मिला है, ये बहुत जलता रहता है हृदय, इसलिए देवता सुख से नहीं रह पाते, इस शास्त्र को होता है। तो ये स्वर्ग के सुख का वर्णन तो खूब करते हैं, ऐसा करोगे तो सुख स्वर्ग जाओगे, ये जाओगे, ये जाओगे, और उसके लिए कर्मकांड में त्रयम जडीकृत मति, जडीकृत का अर्थ अभिनिविष्ट बुद्धि, कर्मकांड में ही अभिनिविष्ट बुद्धि रहती है। क्यों? पुष्पितायम, वेदों के पुष्पित वचन को खूब कहते रहते हैं, और इस कारण से वैतानिके महति कर्मणि युज्यमान, वैतानिक कर्म में लगे रहते हैं। वितान का अर्थ होता है पंडाल, और वैतानिक अर्थ खूब पंडाल तान तान करके एक एक जगह, कहीं कहीं सौ सौ यज्ञ कुंड बनाते हैं, कहीं ये हवन हो हवन, ये करो वो करो, ऐसे खिलाओ ऐसे पिलाओ, ये इसको वैतानिक कर्म कहते हैं। तो कुछ लोगों के दृष्टि में ये छोटा सा मंत्र विश्वासास्पद नहीं होता है, नहीं बड़ा कर्म होना चाहिए, बड़ा कर्म होता है तब उनको विश्वास होता है, छोटा मंत्र भगवान का नाम इस पर विश्वास नहीं होता है, कहते हाय शक्ति, लेकिन ये इतना बड़ा नहीं है, बड़ा तब होगा जब पूरा कुंड बनाया जाए या कलश स्थापित किया जाए और ये किया जाए वो किया जाए तब मानते हाँ कुछ हुआ। ये मनुष्यों के मन में धारणा है, वास्तव में सब जगह है बात,
तो महति कर्मणि युज्यमान, उस महान कर्म में जिसमें बहुत पैसा लगता है, बहुत प्रयास होता है, बहुत सामान जुटाए जाते हैं, बहुत सोना चांदी जुटाया जाता है और सब, उसमें युज्यमान लगे रहते हैं। लेकिन उनको कहा जाए कि कीर्तन करो, जप करो, तो उनके लिए वो पहाड़ जैसा हो जाता, नहीं करते। जबकि उन सब कर्मकांडों का, कर्मकांड की क्रियाओं का फल बहुत छोटा है। से हमारे यहां कहते हैं खोदा पहाड़ निकली चूहिया। एक आदमी पूरा पहाड़ ढह दिया और मिला क्या, एक चूहिया मिली। इतना मेहनत करना, जीवन मिला हुआ है भगवान के भजन के लिए, नाम कीर्तन के लिए, और नाम कीर्तन न करके, भक्ति न करके अन्य कार्यों में बिता देना। प्रायण वेद तदिदम न महाजनो दिव्या विमोहित मति बत माय आलम। हाय हाय, बतक अर्थ है हाय, जमराज जी कह हाय। माया दिव्या विमोहित मति, भगवान की माया देवी ने उनके बुद्धि को नष्ट कर दिया, विमोहित मति। और इसीलिए भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, नाम कीर्तन वगैरह नहीं करते और सब कर लेते। कई ऐसे विमोहित मति लोग हैं वास्तव में, और सब काम कर लेते हैं लेकिन भगवान का नाम जप करना उनके लिए पहाड़ है, नाम जप नहीं करते। कई जगह ये देखा जाता है, लोग श्रद्धा से मंदिर में भी आते हैं और सेवा करते हैं और कहा जाता है चैंटिंग, तो चैंटिंग तो अभी नहीं करते हैं। ठीक है, चैंटिंग के समान ही भगवान की भक्ति है, लेकिन वास्तव में चैंटिंग में, भगवान के जप में, नाम में श्रद्धा जल्दी होती ही नहीं है। क्यों नहीं होती है? छोटा जान करके, ये तो बहुत छोटा है। और कुछ लोग तो छोटा ही पसंद करते हैं, वो कहते हैं कि ये आप लोगों का जो मंत्र है, महामंत्र, बहुत बड़ा है। ये छोटा होता तो कुछ जपने ठीक है। हमने कहा कि ये तो खुलने लायक है, क्या उसको कहते हैं, डिस्पोजल, क्या है? कोई शब्द है ना अंग्रेजी में जिसको खोल खोल करके अलग किया जा सके। हाँ, तो इसको तो खोल करके अलग किया जा सकता है, 16 पार्ट में बांट सकते हैं। तो एक भी बोलिए तो एक भी काफी है। ऐसा नहीं है कि और बोलेंगे तब ये प्रभाव डालेगा। उसमें से हरे बोलिए या कृष्ण बोलिए, राम बोलिए, कोई भी बोलिए। और वास्तव में तीन ही कई बार जुड़ जुड़ करके 16 हो गया है, तो 8 बार तो हरे जुड़ा हुआ है और 4-4 बार राम और कृष्ण, 16 बार। कुछ लोग कहते बहुत लंबा मंत्र है। तो लंबा मंत्र है तो आप आधा आधा करके जपिए, जैसा कई जगह ऐसा किया जाता है, यदि लंबा प्रतीत हो रहा है। लेकिन लंबा है कुछ नहीं, आखिर तो हरे कृष्णा तो हरे अलग बोलना है, कृष्णा अलग बोलना है, फिर राम अलग बोलना है, सजा करके बोलना है। जनरल समाज की धारणा है और तथा कथित पढ़े लिखे विद्वानों की भी यही दशा है कि वे लोग कर्मकांड पर विश्वास करते हैं, बड़े बड़े कर्मों पर, यज्ञ दान वगैरह पर विश्वास करते हैं, लेकिन भगवान के नाम उच्चारण कीर्तन में उनकी श्रद्धा नहीं होती। इसलिए वे लोग दूसरे दूसरे विधान करते हैं कि पापों का ऐसे प्रायश्चित होगा, ये होगा, वो होगा, वो होगा। ये सब विचार करके जो सुधी है, जो सुंदर बुद्धि वाले हैं, वे लोग भगवान की भक्ति करते हैं। एवं विमृश्य सुधियो भगवत्यनन्ते सर्वात्मना विदधते खलु भावयोगम् तेमेन दण्डमर्हं तथ यद्यमीशां स्यात् पातकं तदपिहं दुर्गायव। एवं इस प्रकार विचार करके कि भगवान की माया से बड़े बड़े लोग मोहित हैं, जो करना चाहिए उसको नहीं कर रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए उसमें लगे हुए हैं, ऐसा विचार करके सुधिया, सुंदर बुद्धि वाले, सुंदर धी वाले लोग भगवान श्री कृष्ण में सर्वात्मना भाव योगम विदधते,
वो सब तरह से मन हटा करके भगवान की भक्ति में मन लगाते हैं। भाव योगम का अर्थ है भक्ति योगम, भक्ति ही करते हैं। क्यों भक्ति करते हैं? वो देख लिए कि भगवान की माया बहुत प्रचंड है, तो वे लोग दूसरे को हमेशा घसीटने के बजाय अपनी भक्ति करते हैं, भगवान में मन लगाते हैं, भक्ति करते हैं। भगवती अनंत है, श्री कृष्ण के गुण रूप लीला सब अनंत है, माधुर्य सौंदर्य अनंत है, उसका कोई और छोर नहीं है। और श्री कृष्ण देश काल के द्वारा भी अंतहीन है, सभी देश में है और सभी काल में है। हम लोग जो इस रूप में हैं सभी देश में नहीं है, और सभी काल में तो कोई प्रश्न ही नहीं। जब हम लोग इस रूम में बैठे हैं तो हमारा अंत है, इस रूम के बाहर चाहे आसन जो है उसके अलावा नहीं है, है ना, अंत है। अपने आसन पर सीमित है या एक स्थान पर है, लेकिन भगवान तो सब जगह है। इसको कहते हैं देश के दृष्टि से अपरिच्छिन्न। परिच्छिन्न का अर्थ होता है माप, काट छंट देना, सीमित कर देना, और अपरिच्छिन्न का अर्थ है माप नहीं। तो भगवान सभी देश में है, सब स्थान में है और सभी काल में है। हम लोग तो सीमित है, इतने डेट जो जन्म का है और फिर मृत्यु का डेट, बस काल के द्वारा बंधे रहेंगे। जीव रहेगा लेकिन पता नहीं किस रूप में रहेगा, क्या घर होगा, क्या शरीर होगा, क्या खान पान मिलेगा, कौन साथी मिलेंगे, सब खत्म हो जाता है। तो इसको शांत कहते, सअंत शांत, अंत हो जाता है। लेकिन भगवान अनंत है, इस बात पर बार बार विचार करना चाहिए। तो साधु जन जो सुंदर बुद्धि वाले हैं, भाग्यवान, वे लोग भगवान अनंत में, श्री कृष्ण में भाव योगम विदधते, भक्ति करते। कैसे? सर्वात्मना। आत्मा का अर्थ होता है मन, कभी कभी पूरे मन से एकाग्र चित से भगवान की भक्ति करते हैं। तो ऐसे लोग ते में न दंडम अरहन्ति, वे मेरे दंड के पात्र नहीं होते हैं, मैं उनको दंड देने वाला नहीं हूं। जो लोग भक्ति करते हैं भगवान की, उनका दंडधर मैं नहीं हूं, मैं नहीं दंड दे सकता। तो जमराज के दूतों ने पूछा कि और उनसे यदि कोई पातक हो तब, कोई गलती हो जाए, पाप हो जाए, तब तो आप नहीं दंड देंगे, तो उनको दंड कोई देने वाला होगा ना? तब कहते हैं कि तेमेन दंड मरहंति, यदि अमीशान, यदि का अर्थ है यदि अमीशान इनके द्वारा पातकम स्यात, यदि कभी पाप हो जाता है, तदपि हंति उर्गायवाद, भगवान श्री कृष्ण का संकीर्तन उस पाप को नष्ट कर दे। जो भगवान का नाम जप करते हैं, नाम का उच्चारण करते हैं, उसी से उनकी गलती का शोधन हो जाता है, पाप नष्ट हो जाता है। उनको हम दंड नहीं दे सकते। जमराज जी भक्तों को दंड नहीं देते। और असली बात है कि यदि शब्द लगाया जाए, यदि स्यात पातकम, यदि किसी भक्त से पाप हो जाए, तो यदि शब्द बता रहा है कि होता नहीं है, भक्त पाप नहीं करते हैं, पातक नहीं करते हैं, लेकिन कदाचित यदि हो जाए एक्सीडेंटल, तदपि हंति उर्गाय वाद, उर्गाय का वाद कीर्तनम, भगवान का कीर्तन उसको नष्ट कर देता है। यही भक्तों के लिए प्रायश्चित है, कुछ भी है, मैं दंड नहीं दे सकता। तो जमराज के दूत अब धीरे धीरे सारी बातें समझने लगे। तो जमराज जी का पोजीशन पहले से ही सब व्यक्त हुआ कि मैं तो सेवक हूं भगवान का, और भगवान के जो सेवक हैं, जो भक्ति जो करते हैं, उनका मैं मालिक नहीं, मैं उनको दंड नहीं दे सकता। प्रश्न होता है और यदि गलती करे तब? तो जमराज जी कहते हो तो गलती करते नहीं है, लेकिन कदाचित कभी करे तो कोई दंड नहीं दे सकता है, कीर्तन ही उनके पाप को नष्ट कर देता है। तदपि हंति उर्गायवाद,
उरु गाय, उरु का अर्थ है बहुत ज्यादा, गाय का अर्थ है जस, जिनके विषय में बहुत गाया गया है वेदों में या लोक में सब जगह, जिनकी अनंत लीलाएं हैं उनको उरु गाय कहते हैं। और वादह कीर्तनम, भगवान का कीर्तन ही उनके पाप को नष्ट कर देता है। ध्यान रखना चाहिए कि वह पाप एक्सीडेंटल हो तब, भक्त नहीं चाहता है लेकिन माया में रह रहा है तो कदाचित कोई पातक हो गया, गलती हो गई, तो भगवान का कीर्तन ही उसको नष्ट कर देता है, शुद्ध कर देता है, उसको मैं नहीं दंड दे सकता। और दंड देने की बात तो दूर रही, देखो यहां तक निरूपण करके धर्म का जो असली तत्व था उसका वर्णन करके जमराज जी अब अपने शिष्यों, अपने दूतों को शिक्षा दे रहे हैं, सिखा रहे हैं तुम्हें क्या करना है। यहां तक सामान्य भाव से धर्म का रहस्य बताया, अब उनको डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, है ना। इंस्ट्रक्शन और टीचिंग में अंतर है ना। इंस्ट्रक्शन का अर्थ कोई खास बहुत निकट से उनको संकेत किया जाए, कुछ सिखाया जाए कि ये करना है, तो अब सिखा रहे हैं कि क्या करना है तुम लोगों को। ते देव सिद्ध परिगीत पवित्र गाथा ये साधव समदृश भगवत प्रपन्ना तान्नोपसीदत हरे हृदया गुप्ता नैषां वयं न च वयः प्रभवानुगमेरे। ये साधव समदृशः, समदृशः भगवत प्रपन्नः, जो सदाचारी हैं, वेद शास्त्र के नियमों के अनुसार चलते हैं, वो साधु कहते हैं। साधु के का दो अर्थ होता है मुख्य रूप से संस्कृत में। साधु का एक अर्थ होता है जो साधना में है, उसको साधु कहते हैं, जो साधना कर रहा है। और साधु का एक अर्थ होता है जो सदाचारी है, सत्याचार जिसका है, वेद शास्त्र में वर्णित नियम का पालन कर रहा है। तो जो साधु जन होते हैं और समदृश, सबको एक समान दृष्टि से देखते हैं, और भगवत प्रपन्ना, श्री भगवान की शरण में रहते हैं, ते देव सिद्ध परिगीत पवित्र गाथा, उनके पवित्र गाथा को देवता गण गाते हैं, सिद्ध गण गाते हैं। देव सिद्ध परिगीत पवित्र गाथा, देवताओं के समाज में उनका गीत गाया जाता है, उनकी कथा होती है, उनकी बड़ाई की जाती है। यह मनुष्यों की क्या बात है, जमराज जी कह रहे हैं कि देवता गण मिलकर के और सिद्ध गण उनके पवित्र गाथा को गाते हैं। उन पर जब चर्चा होती है स्वर्ग में तो वे लोग बहुत प्रशंसा करते हैं। जे भगवत प्रपन्ना समदृश साधु ते देव सिद्ध परिगीत पवित्र गाथ, परिगीत बारंबार गीत गाते हैं, बारंबार प्रशंसा करते हैं देवता लोग। जो व्यक्ति भगवान का भक्त हो जाता है वास्तव में, तो मनुष्य प्रशंसा करें या न करें, स्वर्ग में देवता प्रशंसा करने लगते हैं। धन्य हो गया कुलम पवित्रम जननी कृतार्थ वसुंधरा पुण्यवती चतेन। जिस व्यक्ति का मन भगवान श्री कृष्ण में लग जाता है तो उसका कुल पवित्र हो जाता है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्थ, जिस माँ ने जन्म दिया वो धन्य हो जाते, कृतार्थ हो जाते। वसुंधरा पुण्यवती चतेन, संपूर्ण पृथ्वी पुण्यवती हो जाती है उसका चरण जब पड़ता है पृथ्वी पर। इतना महान फल है भगवत भक्ति का। जमराज जी कहते हैं ते देव सिद्ध परिगीत पवित्र गाथा, देवई सिद्धई परिगीता पवित्र गाथा, जैसा पवित्र गाथा भक्तों का, साधुओं का जो आचरण है, गाथा है, अति पवित्र है। पवित्र अपने आप में तो पावन है ही, उसकी कोई चर्चा करे तो पवित्र हो जाता है, वो शुद्ध हो जाता है। तो जो भगवान के शरण में हैं, साधु हैं और समदर्शी हैं, उनके पवित्र गाथा को देवताओं के समाज में गाया जाता है, बड़ाई की जाती है। तान न उपसीदता, उनके पास कभी भी मत जाना, तुम लोग कभी मत जाना, मतलब
इस दृष्टि से मत जाना जा करके उनको हम पकड़े और नरक में लावे। तान न उपसीदत, उपकार से निकट, सीधता का अर्थ जाना या दुख देना, उनके पास कभी मत जाना, उनको कभी दुख मत देना। क्यों? हरे गदया अभिगुप्ता, अभिगुप्ता का अर्थ रक्षिता, वे भगवान की कौमुद की गदा के द्वारा सुरक्षित रहते हैं। ध्यान रखना, वो गदा तो चिन्मय गदा है, भगवान की गदा के द्वारा भक्तों की रक्षा होती है। और ऐसा वयम न प्रभवाम दंडे, इन लोगों को दंड देने में मैं समर्थ नहीं हूं और न तो वय काल समर्थ। जमराज जी कहते ना तो मैं दंड दे सकता हूं और न तो काल दंड दे सकता है, इतना महान होता है। वास्तव में भगवान के शरण में जो व्यक्ति हो जाता है तो काल के नियमों से परे हो जाता है, काल उसको दंड नहीं दे सकता, जमराज जी दंड नहीं दे सकते। नैसम वय न च वय, न वयम न वय, वय का अर्थ काल और वयम का अर्थ है मैं, न मैं दंड दे सकता हूँ न काल दंड दे सकता है। प्रभु आम दंड, हम लोग समर्थ नहीं है, उनके स्वामी हम लोग नहीं, दंड नहीं दे सकते। ये शिक्षा दे रहे हैं कि भक्तों के पास कभी मत जाना, अगर गए तुम्हारा कुछ हुआ तो हम जिम्मेवार नहीं, ये साफ कह रहे हैं। इस बार तो बच करके आ गए, अच्छा किया तुम लोग भाग गए, अच्छा हुआ, नहीं तो। तान न उपसीदता, उनके पास जाना मत कभी, कहीं भी कोई व्यक्ति भगवान का नाम बोल रहा हो तो उधर मत जाना, उसका काल स्वामी नहीं है न मैं स्वामी। उन भक्तों के स्वामी भगवान कृष्ण होते हैं, उनको जो कुछ करना, दंड देना कुछ करना, वो डिपार्ट ही अलग है। हमारा तो पापियों के साथ संबंध, उनका मैं कुछ भी नहीं। ये स्पेशल ऑर्डर दे रहे हैं, तान न उपसीद, पहले निषेध कर रहे हैं, उनके पास कभी मत जाना। अच्छा, ये तो उन्होंने कह दिया, तब जमराज के दूतों ने कहा, तब किसके पास जाए कि हमारा जॉब खत्म होगा, क्या होगा ये बताइए तो सही, हमारी नौकरी जाएगी क्या, आखिर हम लोगों को काम मिलना चाहिए ना, किनके पास नहीं जाना है ये तो आपने बता दिया, और किनके पास हम लोगों को जाना चाहिए ये भी क्लियर कर दीजिए। तब जमराज जी दो श्लोकों में कहते हैं किसके पास जाना चाहिए। तान आन यद्वमसतो विमुखान मुकुंद पादारविंद मकरंद रसाद जस्रम निष्किंचनै परमहंस कुलैरसज्ञै जुष्टा गृहे निरवर्तमनि बद्धते स्म। तान आन यद्वम, उनको लाओ, अनयधम का अर्थ है आनो, लाओ उनके पास, तुम लोगों का काम नहीं रुकेगा, बहुत ऐसे लोग भरे पड़े हैं। तान अनयध, उनको लाओ, किनको, असत, दुष्टों को लाओ, असत का अर्थ दुष्टान, दुष्टों को लाओ। दुष्ट का क्या मतलब है, कौन दुष्ट है, थोड़ा क्लियर बताइए। तो कहते हैं मुकुंद पादार बिंद मकरंद रसात विमुखम, विमुखम, जो मुकुंद के, मुक्ति के दाता भगवान श्री कृष्ण के जुगल चरण कमलों के मकरंद के रस से विमुख है। जो भगवान के भक्त नहीं है, विमुख है, उनको पकड़ करके लाओ, उनको हम ठीक करेंगे यहाँ पर, मतलब नरक डिपार्ट में उनको पटकेंगे, ठीक होंगे, मारा पीटा जाएगा, दुख दिया जाएगा। किनको लाना है, जो मुकुंद के पदारविंद मकरंद के रस से विमुख। जानते हैं श्री कृष्ण के चरण कमलों के मकरंद का रस क्या है, मकरंद रस, असली मकरंद रस है कथा, भगवान का गुणानुवाद, कीर्तन और श्रवण, यही मकरंद है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
जमराज जी कह रहे हैं जो लोग भगवान विष्णु के स्वरूप को रूप को नहीं मानते और भगवान के चरणों के रस में आसक्त नहीं है, भगवान की कथा में आसक्त नहीं है, उनको लाओ मेरे पास। तान आनयध्व, श्री कृष्ण के जो चरण कमल हैं वास्तव में वो तो कमल से भी अधिक सुकुमार हैं, सुंदर हैं, शीतल हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कमल में मकरंद रहता है, कमल की कर्णिका को हटा करके देखेंगे भीतर कमल कोष के भीतर पराग रहता है पीला पीला, उसी को भौंरा चुसता रहता है। जिनक मधुकर अम्बुज रस चाखो क्यों करी लफल भार, मेरे मन अनंत कहाँ सुख पार है। सूरदास जी ने गाया है कि मेरा मन कहाँ लग सकता है, जो भौंरा कमल के पराग को खाया है क्या वो करील पर बैठेगा, नहीं। अंत में वो कहते हैं कि सूरदास प्रभु काम धेनु तज छेरी कौन दुहार, कौन ऐसा मूर्ख होगा जो काम धेनु गाय को छोड़ करके बकरी दुहेगा दूध के लिए। कौन ऐसा होगा, वो बकरी किनको कह रहा है, ये देवी देवताओं को बकरी कह रहा है। ठीक वो भी दूध देते नहीं, छल छल थोड़ा थोड़ा, क्या होगा उससे, काम धेनु दुहना चाहिए ना। भगवान विष्णु के कृष्ण की जो भक्ति हो काम धेनु दुहना है। और एक अद परम गंग को छाड़ी पियास दुर्मति कूप खनावे, कौन ऐसा पागल बेवकूफ होगा जो गंगा जी के किनारे गंगा जी को छोड़ करके कुआं खोदेगा। गंगा जी बह रहे निर्मल धारा, उसमें पानी नहीं पीता, स्नान नहीं करता और कुआं खोदना चालू किया, कई महीना तो उसमें लग जाएगा। ये भगवान ऐसे हैं वास्तव में। मुकुंद पादारविंद मकरंद रसा, भगवान श्री कृष्ण के जुगल चरणों का जो मकरंद है, कमल मकरंद अर्थात उनका चिंतन, उनकी सेवा, उनका कीर्तन, जप, कथा श्रवण, खास करके कथा श्रवण और कीर्तन से इसका तात्पर्य, जो विमुख है उनको पकड़ करके लाओ। तो भगवान के चरण कमल के मकरंद रस की विशेषता बता रहे हैं, एक कैसा है, निष्किंच नहीं परम हंस कुल ही रसज्ञ ही अजस्रम जुष्टात, जो निष्किंचन है, जिनके पास कोई भी संसार की वस्तुओं में आसक्ति नहीं है और परम हंस कुल है, जो परम हंस हैं, परम हंस सार असार के विवेकी हैं, रसज्ञ हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है जानते हैं, जो रसज्ञ हैं वास्तविक रस को जानते हैं, परम विवेकी हैं और निष्किंचन हैं, ऐसे लोग भगवान मुकुंद के पादारविंद रस में हमेशा जुटे रहते हैं, जुष्ट लगे रहते हैं। जब देखा जाए तो श्री कृष्ण का कीर्तन कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, ये रथ यात्रा आदि महोत्सव करते हैं, भगवान की भक्ति में लगे हैं, इसको कहते हैं भगवान के चरण कमलों के मकरंद रस में जुष्ट। जुष्ट का अर्थ जुटा हुआ। ये जुष्ट शब्द जो है यही हिंदी में आप भ्रंश होकर के आए, जुट जाना, जो जुटे रहते हैं भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल के मकरंद रस को पीने के लिए जुटे रहते हैं। ये परिचय दिया गया भगवान के चरण कमल के मकरंद रस का। लेकिन जमराज के दूतों ने और क्लियर पूछा कि ठीक है आपने असत कहा भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल के मकरंद रस से जो विमुख है, लेकिन थोड़ा और पहचान बताइए, और पहचान बताइए किनको लाना है। तो वे कहते हैं गृहे निरय वर्तमनी बद्ध तृष्णा, जो लोग घर गृहस्थी में ही बद्ध तृष्णा है, गृहस्थ जीवन को और स्त्री आदि के संग को ही जिन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया है, अच्छा जो भी है उसमें और बद्ध तृष्णा, और उनकी प्यास बढ़ती ही जा रही है, हमको ये हो, हमको ये हो, ये हो, वो हो, और आप भगवान का कीर्तन नहीं करते, जप नहीं करते, हमेशा गृहस्थी के ही सारे योजनाएं बनाते रहते हैं, अभी ये करना है, अभी वो करना है,
भोगों के लिए, गृहस्थोचित भोगों के लिए जिनकी तृष्णाएं बढ़ी हुई हैं, कहां पर गृह है, गृह कथम भूते गृह है निरय वर्तमानी, जो घर गृहस्थी नरक का रास्ता है। वास्तव में गृहस्थ जीवन सीधा नरक में जाने का मार्ग है यदि भगवान की भक्ति नहीं किए तो, एकदम इसमें कोई संदेह नहीं। भक्तों के अलावा देखिए संसार में कितने गृहस्थ हैं, दुनिया गृहस्थों से भरा पड़ा है, लेकिन वो सब नरक का ही रास्ता है। निरय वर्तमानी, वर्तम का अर्थ तय रास्ता और निरय का अर्थ नरक, गृह, गृह का विशेषण दे रहे हैं जमराज जी, निरय वर्तमानी अर्थात ऐसा घर जो धर्म शून्य, जिस घर में भगवान विष्णु की पूजा नहीं है, भगवान का नामोच्चारण नहीं है, भगवान के का कीर्तन नहीं है, कथा नहीं है, तो वास्तव में नरक का रास्ता है। और वो भी नरक जाने के लिए बद्ध तृष्णा, बहुत तृष्णा बढ़ी हुई है, लालसा बढ़ी हुई। एक व्यक्ति ने एक बार दिखाया हमको, फोटो रखा हुआ था केनिया के समूह में, तो एक व्यक्ति अपना अटैची उठा करके झटपट तैयार है, तो मैं पूछा ये क्या है, कुछ लिखा नहीं गया था, वो कहता है कि यह नरक जाने के लिए तैयार हुआ बहुत जल्दी, क्योंकि उसको कहा गया कि जल्दी करो, वहां रिजर्वेशन करना है, तो वो तुरंत अटैची उठा करके चल दिया। वो ये नहीं सोचा कि नरक कैसा जगह है, क्या है, रिजर्वेशन बंद हो जाएगा, हमको जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए। ये घर गृहस्थी वास्तव में क्या है, इसका रहस्य जमराज जी जानते हैं ना। जितने नरक में लोग जाते हैं उसमें ज्यादा परिवार के ममता के कारण जाते हैं, कि जितने गाय खाने वाले हैं सब अपने परिवार के लिए काटते हैं, पालने पोसने के लिए, और ये जीव की हत्या करते हैं। अपने लिए तो उतना जरूरी नहीं है, अपने परिवार के लिए काटते हैं, बेचने के लिए काटते हैं और सब करते हैं। तो इस तरह से ये गृहस्थ जीवन वास्तव में नरक का रास्ता है। इसको तो छोड़ छाड़ करके, बल्कि आदमी अकेले रहे, भीख मांग करके खाए, भगवान का नाम जप करे, पाप से बच जाए ये ध्यान रखना चाहिए। भक्तों के लिए ये वाद हो गया है, क्योंकि भक्तों का घर ही भगवान का मंदिर हो गया, तो उनके लिए तो ये बात सत्य नहीं है। लेकिन वास्तव में अगर भक्ति नहीं की जाए, मुकुंद के चरण कमल के मकरंद से कोई व्यक्ति वंचित रहे, तो घर गृहस्थी वास्तव में नरक का कारण है, इसमें संदेह नहीं है। तो भगवान की भक्ति करने से सब कुछ ठीक हो जाता है। तो ये क्लियर उन्होंने उपाय, क्लियर परिचय बताया दुष्टों का, कि इनको पकड़ करके लाओ। अब भगवान के चरण कमल से विमुख हैं तो निगेटिव बता रहे थे, भाई नहीं भजन करते, लेकिन क्या करते हैं जरा वो भी तो बताइए। तब जमराज जी बताए कि जो लोग घर गृहस्थी में आसक्त हैं उनको पकड़ करके लाओ, बद्ध तृष्णा। ये विश्वास रखना चाहिए कि हमारे लिए जो आवश्यक है देश में काल में भगवान श्री कृष्ण देंगे। काम करे व्यक्ति आलस छोड़ करके, लेकिन चिंता नहीं करनी चाहिए। जो लोग चिंता करते रहते हैं, हमेशा घर गृहस्थी की योजनाएं बनाते रहते हैं और अभी भक्ति नहीं करते, बिल्कुल भगवान को भूले हुए रहते, तो उनके लिए कहा गया है निरय वर्तमानी गृह बद्ध तृष्णा, नरक के पथ गृहस्थी के कामों में लगे रहते। वास्तव में जीवन इतना विमुख जा रहा है लोगों का, और इसे ये नहीं समझ लेना चाहिए कि जो सन्यासी हो गए हैं और वो भी जप नहीं करते हैं, भजन नहीं करते हैं, तो वे नरक में नहीं जाएंगे। केवल कपड़ा देखकर जमराज जी नहीं डर जाएंगे, उनका जो नियम है तो सब नियम चलता है, नियम चले। एक बार ह्यूस्टन में मैं जा रहा था कार से, तो बेल्ट नहीं बांधा था। चैतन्य दास वहां के हेड पुजारी हैं, वो जा रहे थे साथ, तो हमको देख करके नहीं, पहले पुलिस ने रोका गाड़ी को, पीछे से रोका, तो रुक गए। अगर कहा कि क्यों नहीं बेल्ट बांधे, तो किताब निकालने लगे टिकट बनाने के लिए, तो
हम तो अब चुप हो गए, हम कुछ नहीं बोले, तो वो कहते हैं कि नया नया है, इंडिया से आया है। वो चेतन दास बोल रहे थे, नए आए इंडिया से, आए इंडिया से आए, इससे क्या। वो अब लिखने ही जा रहा था, तब तक उसकी दृष्टि मेरे तिलक पर पड़ गई। तिलक पर पड़ गई तो पुलिस पूछता है व्हाट इज दिस पेंट। मैं कहा कि दिस इज वेरी होली क्ले फ्रॉम इंडिया वेयर गॉड अपीयर वृंदावन धाम द्वारका। तो मैं ऐसे बोल रहा था तो थोड़ा सा सुनने लगा, तब चेतन दास बोलने लगे कि एक पिस्ट है, इनको मालूम नहीं था। तो उनको वो कहता, तुमको मालूम था कि नहीं? उनको मालूम था कि वेल जो हमने ध्यान नहीं दिया। तो वो तिलक देख करके प्रभावित हो गया, कैसा पिस्ट है, तो छोड़ दिया, किताब रख लिया, वो टिकट नहीं दिया। तो प्रभाव पड़ गया तिलक से। ये तिलक तो वास्तव में कोई व्यक्ति भजन करे या न करे, कुछ ऐसे यूनिफॉर्म है कि इनको देख करके जमराज पहले ही कह चुके हैं दूतों से उनके पास मत जाना। वास्तव में केवल तिलक भी किया तो वहां मत जाना, कंठी बांधा वहां मत जाना, और फिर भगवान का नाम बोलता है वहां मत जाना। वो सब हमारा क्षेत्र नहीं। लेकिन और विषय में कि ऐसा नहीं है कि कोई भक्ति ना करे और गेरुआ कपड़ा पहन ले तो जमराज जी के दूत भाग जाएंगे, या जाटा कोई बढ़ाया हो तो जमराज के दूत भाग जाएंगे, नहीं, उनको दंड देंगे। अरे ये वर्णन हुआ तो एक श्लोक और कर, दो श्लोकों में नरकगामी लोगों का वर्णन कर रहे हैं। किसको किसको लाओ, लाओ का मतलब है कि वो जाएंगे ही नरक में। ऐसा नहीं है कि जमराज के दूत नहीं आए तो नहीं जाएंगे, जाना तो है ही ऐसे भी। लेकिन जमराज के दूत आते ही हैं, वो भी फेल नहीं कर सकते। अब और क्लियर कर रहे हैं, तेसाम ज्ञातकम आह। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अब जमराज जी और क्लियर बोल रहे हैं किनको लाना है। जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम धेयम चेतश्च न स्मरति चरणारविन्द कृष्णाय नो नमति चिरये कदापि तान आन यद्वमसतो कृत विष्णुकीर्तनम्। दुष्टों का वर्णन कर रहे हैं, तान आन या धुआं उसमें भी था, उनको लाया करो, उनको लाओ। कौन? जत, यहां जो जत शिरा शब्द यहां से लेना पड़ेगा। जेसाम जिह्वा भगवत गुण नाम धेयम न भक्ति, जिन लोगों की जीभ है भगवान के गुण और नाम को नहीं भक्ति नहीं बोलती है, उनको पकड़ कर लाओ। जीभ मिली और एक बार भी भगवान का नाम नहीं बोलते हैं, उनको बुलाओ। इसका मतलब कि कोई ध्यान करे निराकार का, ये सारे पकड़ करके जाएंगे नरक में, जमराज के दूत ले जाएंगे। वो तो मिला करके देखेंगे किसी, अच्छा इसकी जीभ बोल रही है भगवान का नाम ही नहीं, इसको नहीं ले जाना। पहले से ही पता लगा लेते, जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम धेय। भगवान विष्णु के गुण और नाम धेय, नाम धेय का अर्थ होता है नाम, भगवान के नाम और गुणों को जिनकी जिह्वा नहीं बोलती है, तान आने अध्वम, उनको लाओ। यह ऑर्डर है तो क्लियर ऑर्डर है, तो तुरंत पता लगा लिया जाएगा किसकी जीभ नहीं बोल रही है। और फिर कहते हैं चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम्। जिसका मन भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल का स्मरण नहीं करता है, उनको भी पकड़ करके लाओ। तो जमराज के दूतों को पता है कि किसका मन स्मरण नहीं कर रहा है, उनके पास कैमरा होता है सारा, जैसे रोड पर कैमरा लगा हुआ है, स्पीडिंग का क्या क्या सब पता लगा लेता है रडार से कैसे कैसे। तो जमराज के दूतों के हाथ जहां चलते हैं उनके ऑफिस में सब कुछ है, जमराज के दूत देख करके चलते हैं किस कौन क्या क्या किया है कैसे।
जिनका चित्त स्मरण नहीं करता है श्री कृष्ण के चरण चरण कमल का, उनको लाभ। और कृष्णाय नो नमति जक्षिर एकदापि, जिनका सिर एकदापि एक बार भी कृष्ण के चरण कमल में नहीं झुका है, उन दुष्टों को पकड़ करके लाओ। ध्यान रखना चाहिए कि जो लोग निराकारवादी हैं ये सब नरक में जाएंगे पकड़ करके, अच्छी धुनाई की जाएगी इनकी। यहाँ हमेशा चरण कमल का वर्णन किया जा रहा, भगवान के रूप का वर्णन किया जा रहा है। यह बहुत नारा बोलते हैं कि भगवान का रूप नहीं है, ये नहीं है। जमराज के दूत इतना मारेंगे कि उस दिन पता चलेगा कि हम लोग कितना गलत बोल रहे हैं। बहुत पीटते हैं वास्तव में, सिद्धांत बना ले निराकार है निराकार। यहाँ जमराज जी हमेशा देखिए, भगवत गुण नाम धे तरणारविंद कृष्णाय नो नमति जिर एकदापि, और मुकुंद पादार बिंद मकरंद रसाद, ये सब क्लियर बोल रहे हैं। तो भगवान का रूप है सबसे सुंदर रूप, सबसे आनंदमय नित्य चिन्मय, इसको पहले स्वीकार करना चाहिए। जो व्यक्ति वास्तव में घर गृहस्थी में हो चाहे कहीं हो, जिसने श्री कृष्ण को स्वीकार कर लिया है कि प्रभु बहुत सुंदर है, देवताओं के ईश्वर है, यह मान्यता ही काफी है उसके लिए। वो फिर जमराज के कस्टडी में नहीं जा सकता। जिसके मन में विश्वास हो गया कि कृष्ण प्रभु हैं और मैं उनका दास हूं, केवल ये विश्वास भी हो जाए, भले वो जप वगैरह करे या न करे, ये विश्वास ही उसको सब तरह से दुख से मुक्त कर देगा। तो पहले तो ये धारणा होनी चाहिए कि वास्तव में श्री कृष्ण या विष्णु इस विश्व के ईश्वर हैं, स्वामी हैं। मैं तो बहुत कमजोर हूँ, ऐसे हूँ ऐसे हूँ, भगवान की भक्ति नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये विश्वास है कि कृष्ण हैं इस तरह से, ये बहुत बड़ी बात हो गई। परंतु जो लोग भगवान के स्वरूप को ही नहीं मानते हैं, निराकार कहते हैं और बातों का प्रचार करते हैं, ये सब लोग इस दफा के अनुसार नरक जाएंगे। जमराज के दूत तो मिलाएंगे सब, यही देखा जाएगा मुख जिह्वा चित्त और सिर, और उपलक्षण से और भी इंद्रिया। सिर झुक रहा है कि नहीं भगवान के श्री विग्रह के सामने। जब सिरा एकदा अपि न नमति, जिनका सिर एक बार भी नहीं नमता है, तान आनयध्वम असत, उन दुष्टों को लाओ मेरे पास, अकृत विश्व कृत्या, जिन्होंने कभी भगवत व्रत नहीं किया है, जिन दुष्टों ने कभी एकादशी व्रत आदि नहीं किया, उनको पकड़ कर लाओ मेरे पास। ऐसे बस खाओ खाओ खाओ, सालों भर बकरी की तरह खाते रहते। कभी तो विष्णु व्रत करना चाहिए, एकादशी किया, भगवान का जन्माष्टमी व्रत किया, रामनवमी किया, गौर पूर्णिमा किया, कुछ तो होश रहना चाहिए, ये भगवान का दिन है। लेकिन कितना कितना होटल रेस्टोरेंट खोल खोल करके क्या क्या खा रहे हैं, ये सब जमराज के हवाले जाएंगे। थोड़ा सा खा करके बहुत तुच्छ सुख मिलेगा, लेकिन इसके बाद दुख बहुत ज्यादा दिया जाएगा। अच्छा, इसमें और भी टीका की गई है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर टीका में कहते हैं कि जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम, जमराज जी कहते हैं कि जिन लोगों की जीभ है कभी भगवान श्री कृष्ण के नाम और गुणों को नहीं गाती है बोलती है, तो उनको लाओ। इसमें प्रश्न होगा कि सरकार कुछ लोग गूंगे होते हैं, अगर वो नहीं बोले तो क्या वे भी पकड़ करके जाए? तब जमराज जी वही अब कंसेशन दे रहे हैं, चल ठीक है, मान लो सुनते भी नहीं बोलते भी नहीं, गूंगे ऐसे होते हैं ना, ठीक है। तब कहते चेतस चरण स्मरति तरणारविंद, तो जिनका चित्त कृष्ण के चरण कमल का स्मरण नहीं करता है उनको लाओ। कोई कहे कि भाई कोई कोई पागल हो जाते हैं, उनका चित्त इधर उधर रहता है, कैसे लगेगा भगवान में, माया ऐसी है ना, पागल हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं इधर उधर, या घर गृहस्थी में बहुत फंसे रहते हैं, उससे मन इधर उधर नहीं जाता है, तो क्या करें? तो जमराज जी कहते हैं ठीक है, लास्ट बता रहा हूँ, कृष्णाय नो नमति जक्षिर एकदा पिता ने आने अधम, जिनका सिर कृष्ण को एक बार भी प्रणाम नहीं किया करता है, उनको पकड़ करके लाओ।
तो पागल हो चाहे गुंग हो, प्रणाम तो कराया जा सकता है ना, प्रणाम तो कर सकता है। और वो भी ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हजार बार करो, एकदापि, एक बार भी जो प्रणाम नहीं करते हैं उनको पकड़ कर लाओ। तो एकदा का कहीं क्या अर्थ होगा, वर्ष में एक बार कि महीने में एक बार कि जीवन में एक बार? वास्तव में यहां अर्थ है जीवन में एक बार। जिन्होंने जीवन में एक बार भी कृष्ण को प्रणाम नहीं किया उनको पकड़ कर लाओ, और जो एक बार कर दिया है जमराज का शासन उस पर से हट जाता है। स्पष्ट कहा गया है कि कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, कृष्ण को प्रणाम करने वाला कभी पुनर्जन्म में जा ही नहीं सकता। भगवान के सामने जो झुक गया तो भगवान उस पर कृपा दृष्टि से देखते हैं, उसका सब कर्म बंधन समाप्त कर देते हैं। भगवान को प्रणाम करने की बहुत महिमा है, प्रणाम हमेशा करना चाहिए। और लज्जा छोड़ करके और शरीर के कष्ट को छोड़ करके त्याग करके भगवान को बार बार प्रणाम करना चाहिए। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि मंदिर में संकोच होता है, कई लोग रहते हैं तो मंदिर में संकोच होता है तो अपने घर में तो कीजिए 10-20 प्रणाम, वहां कौन देखने वाला है। करना चाहे तो अनेक उपाय है, करना चाहिए भगवान को प्रणाम। ये देह पावन हो जाता है, भगवान की कृपा दृष्टि होती है। पता नहीं संसार में किसके किसके सामने हम लोग झुके हैं, झुकेंगे जीवन में। झुकना है तो प्रभु के सामने, कृष्ण के सामने झुकना चाहिए। प्रणाम करने वालों के सारे दुख को भगवान हरण कर लेते हैं। हम तो यही बताते हैं वास्तव, कोई आते पूछते हैं कि महाराज हमको ये कष्ट है वो कष्ट है, तो हम तो सीधा कहते हैं भगवान को प्रणाम कीजिए सारा कष्ट दूर हो जाए। क्योंकि भागवत का श्लोक कह रहा है, सबसे लास्ट श्लोक भागवत का है, नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख समन स्तम नमामि हरिम परम। भगवान की समस्त भक्तियों में दो ही मनुष्य कर सकता है बहुत सुगमता से, एक तो नाम का उच्चारण नाम संकीर्तन और दूसरा प्रणाम। प्रणामो दुख समन, भगवान कृष्ण को किया गया प्रणाम सारे दुख को हर लेता है। केवल प्रणाम करने से बहुत भारी दवा है, रोगों को भी हर लेता है, दरिद्रता को हर लेता है, अपजस को हर लेता है, कर्म बंधन को सबको नष्ट कर देता है। श्री जमराज जी अपने ऑफिस में जहां बड़े बड़े लोग बैठे हैं आज क्लियर कर रहे हैं कि नरक में किसको लाना चाहिए और किसके पास नहीं जाना चाहिए। जो जीवन में एक बार भी प्रणाम नहीं किया है या इस सिद्ध हुआ कि समर्थ होने पर, हम लोगों के लिए एकदा का अर्थ है दिन में एक बार, कम से कम यह अर्थ लेना चाहिए दिन में एक बार। ऐसा नहीं है कि हमने दिन में एक बार प्रणाम नहीं किया तो नरक में जाना पड़ेगा, ये बात नहीं है। यहाँ असली अर्थ है कि जीवन में एक बार भी जिन्होंने कृष्ण को नमस्कार नहीं किया है उनको लाओ। इसका अर्थ है कि अधिक से अधिक प्रणाम करना चाहिए भक्तों को, इसलिए शिक्षा मिलती है। और दिन में कई बार करना चाहिए। कई बार हम बच्चों से पूछते हैं भगवान कितना बार प्रणाम करते हो, तो बताते हैं 3-4 बार करते हैं। तो ठीक है, लड़के स्कूल जाते हैं उसके पहले प्रणाम करें, चाहे जग कर प्रणाम करें, सोने से पहले प्रणाम करें, तो 4-5 प्रणाम या लगभग 10 प्रणाम तो रेगुलर जीवन में होना चाहिए। साष्टांग प्रणाम पूरा झुक करके। और जब भी भगवान, जब भी कहीं जाना हो घर से बाहर, तो अपने घर में ठाकुर जी हैं या फोटो भी है तो प्रणाम करके जाना, निकलना आना। मंदिर में आने पर तो देखिए कितना सुंदर ट्रेनिंग है, यहाँ तो प्रणाम का ट्रेनिंग अपने आप है ना, कहना नहीं पड़ता है। दूसरे लोग आते हैं प्रणाम करते हैं तो बच्चा भी देख करके प्रणाम करते, स्वाभाविक है। इसीलिए मंदिर का बहुत बड़ा महत्व है, भगवान की पूजा करके दिखाया जाता है, लोग सीखते हैं, भगवान का कीर्तन है, कथा है, प्रणाम है, स्मरण है।
क्या मंदिर में आकर के कोई निराकारवादी रह जाएगा? नहीं रह सकता है, विश्वास है कि नहीं। भगवान बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इस प्रकार से भगवान को प्रणाम करना, उनका नाम गुण बोलना, च से तत्पर्य अन्य भक्ति भी, जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम भेय चेतस च न स्मृति चरणाधीन, च का अर्थ है अनुक्त समुच्चय। भक्ति के और अंग जो नहीं कहे गए हैं वो चकार द्वारा कह दिए गए। संस्कृत में कहते हैं अनुक्त समुच्चय, समुच्चय का अर्थ है समुच्चय, अनुक्त जिनको नहीं कहा गया है, अर्थात श्रवण या दास सख वात्सल या पूजा जो भी है जो नहीं करते हैं उनको लाओ। लेकिन मुख्य तीन है कि जो कभी भगवान का नाम बोलते नहीं, स्मरण नहीं करते, प्रणाम नहीं करते, उनको लाओ। और अकृत विष्णु कृत्या, जीवों का कुछ कर्तव्य है भगवान के प्रति, जैसे हम लोग अपने परिवार के प्रति कर्तव्य समझते हैं, देश के प्रति कर्तव्य समझते हैं, इस व्यक्ति के प्रति अपना कर्तव्य समझते हैं, हम लोग मानते हैं हमारा दायित्व है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन वास्तव में सबसे बड़ा कर्तव्य कृष्ण के प्रति हम लोगों का है, तो उसको विष्णु कृत्य कहते हैं, विष्णु के प्रति किया जाने वाला कर्म। तो जिन्होंने भगवान के लिए कुछ नहीं किया, न भगवान के लिए मंदिर बनाया, न कुछ दान दिया, न एकादशी व्रत किया, न कुछ किया, तो ये है विष्णु कृत्य से शून्य होना। भगवान के प्रति जो हम लोगों का फर्ज है वो सबसे प्रधान फर्ज है। इसलिए भगवान ने गीता में कहा सर्व धर्मान परित्यज मामे कम शरणम ब्रज, सब छोड़कर मेरे शरण में आओ, तुम मेरे हो। और वहां तो छोड़ करके आना ही नहीं था, अर्जुन को तो कहते हैं सबको मारो। अर्जुन रो रहे थे हमारे ये आए हैं, हमारे ये आए हैं, वो आए, हम नहीं, हम भीख मांग कर जी जाएंगे लेकिन इनको नहीं मारेंगे, इनको नहीं मारेंगे। भगवान ने कहा मारना पड़ेगा, तुम इनके नहीं हो, मेरे हो, मैं जो कहता हूं करो। और अंत में अर्जुन ने कहा ठीक है कर, इससे बचना। तो जो ज्ञान हो गया तो उन्होंने कहा ठीक, अब उनको भीष्म पितामह को मारने में कोई हिचक नहीं हो रही थी। जो गोद में लेकर खिलाए थे अर्जुन को, जो पितामह थे खास अपने वंश, हम लोगों को तो इतना कठोर होना नहीं है। लेकिन जो विष्णु के प्रति कर्तव्य है, अरे सवेरे स्नान करना, भगवान का कुछ जप करना, भगवान को भोग लगाना, स्मरण करना, पूजा करना, यही कृत्य है, कर्तव्य है भगवान के प्रति, उसको जरूर पूरा करना चाहिए। और कुछ व्रत हैं, कुछ उपवास का नियम है, जैसे एकादशी है, जन्माष्टमी वगैरह, इसका अवश्य पालन करना चाहिए। उसी को जमराज जी कहते हैं अकृत विष्णु कृत्या, जिन्होंने विष्णु के प्रति कोई फर्ज अदा नहीं किया है, नियम पालन नहीं किया, उनको पकड़ कर लाओ। और अब भगवंतम क्षमा पयती, अब भगवान से क्षमा मांग रहे हैं प्रवचन करके, और तो क्षमा मांग रहे हैं। तो क्षमा का दो स्वरूप हो सकता है, या तो डायरेक्ट अपने आसन बैठे हुए भगवान का स्मरण करके क्षमा मांग रहे हैं, अथवा अपने ऑफिस में जो भगवान का श्री विग्रह था वहां जाकर के प्रणाम करके क्षमा मांग रहे हैं। ये तो भगवान के परम भक्त हैं। जब हम लोग अपने घर में भगवान का श्री विग्रह रखते हैं तो जमराज जी का तो कहना ही नहीं, कितना सजा करके रखते हैं, तो वहां जा करके क्षमा मांग रहे हैं। तत्क्षम्यतां स भगवान् पुरुषः पुराणो नारायणः स्वपुरुषैर्जदसत्कृतं नः स्वानामहो न विदुषां रचिताञ्जलीनां क्षान्तिर्गरीयसि नमः पुरुषाय भूम्ये। डायरेक्ट जमराज जी का वाक्य भगवान के प्रति है, जो समस्त छह ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है, और जो पूर्ण है, पुराण पुरुष है, अनादि पुरुष हैं, वे भगवान नारायण। हम सेवकों से जो गलती हो गई है उसको क्षमा करें, मतलब अपनी ही गलती माने, दूतों की गलती नहीं कर रहे, न स्वपुरुष
हे नाथ, हे नारायण, हम आपके दास हैं, आपकी आज्ञा से हम कुछ करते हैं, हमसे जो भूल हुई है आप कृपया उसको सह लीजिए, क्षमा कर दीजिए। और अपने आदमी से गलती हो जाए तो वो केवल हाथ जोड़ देता है तो महान लोग उसे क्षमा कर देते। रचितांजलि नाम स्वानाम अहो न विदुषाम रचितांजलि नाम, हे नाथ, जो अपने आदमी हैं हम लोग आपके दास हैं, तो हम लोग न विदुषाम, हम लोग विदुष नहीं है, विद्वान नहीं है, जानकार नहीं है, हम अज्ञ हैं, हमसे कोई गलती हो गई है तो हम रचित अंजलि नाम, हम आपके सामने हाथ जोड़ रहे हैं, तो आप जैसे महान व्यक्ति के लिए शांति युक्त है, क्षमा कर देना युक्त है। हे नाथ, बहुत बड़ी गलती हो गई कि हमने भक्त के गले में रस्सी बंधवा दिया। अजामिल के लिए कह, बहुत बड़ी गलती हो गई नाथ, मैं आपके चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ, नमः पुरुषाय भूमने, हे अनंत पुरुष, हे आदि पुरुष, हम आपको प्रणाम कर रहे हैं, हमारी जो भी गलती हो गई आप हमें क्षमा करें। बार बार अब जितने दूत हैं वे लोग भी प्रणाम कर रहे हैं भगवान को, वो लोग भी कह रहे हम लोग ने भगवान के पार्षदों से बहस किया, ये किया, सब क्षमा मांग रहे थे। तो वो जमराज जी तो अब क्षमा मांगने लगे। अब कथा का उपसंहार सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं यहाँ से। ये शुकोक्ति है, तीन श्लोक आगे के जो भी श्लोक हैं, पांच श्लोक ये सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं। तस्मात् संकीर्तनं विष्णोर् जगन्मंगलमंघशाम् महतामपि कौरव्य विद्येकान्तिक निष्कृतम्। तस्मात्, इसलिए इस इतिहास को सुनने के बाद हे कौरव्य, हे कुरुकुल नंदन परीक्षित, विष्णु संकीर्तनं, विष्णु का संकीर्तन केवल उस व्यक्ति को ही पवित्र नहीं करता है बल्कि जगन मंगलम, संपूर्ण विश्व के को पवित्र कर देता है। और अंघशाम महतामपि, महान से महान पापों के लिए यही एकमात्र प्रायश्चित है कि भगवान का नाम उच्चारण किया जाए, सारा पाप नष्ट हो जाता है। या एकांतिक मतलब एकमात्र, अब कोई पाप रह नहीं जाता है नाम उच्चारण से। यह सिद्ध हुआ इस प्रसंग से हे परीक्षित कि भगवान का संकीर्तन जगन मंगल है। जगत का अर्थ होता है जीव। यदि कोई एक व्यक्ति भगवान की कथा कहता है, भगवान का नाम बोलता है, तो लाखों करोड़ों जीव पवित्र होते हैं उसको सुनकर। जगन मंगलम, अपना मंगल होगा उसमें तो कहना ही क्या है। विष्णु संकीर्तनम जगन मंगलम और महताम अंघसाम अपि एकांतिक निष्कृतिम विद्धि, बड़े से बड़े पाप के लिए भी भगवान के नामोच्चारण को ही तुम सबसे प्रबल साधन मानो। उसी को फिर कह रहे हैं, शृणवताम घृणताम वीरजान उद्दामानी हरेर मुहु जथा सुजातया भक्त्या शुद्धेनात्मा व्रतादिभिः। सुनने वाले भगवान के उद्दामानी वीरजानी, भगवान के दिव्य लीलाओं को जो सुनते हैं और बोलते रहते हैं, गाते हैं मुह बारंबार, उनके हृदय में बहुत सुंदर भक्ति जन्म लेती है, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है। सुजातया भक्त्या, सुजाता भक्त, सुष्ठु जाता, खूब भगवान के प्रति आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। और भगवान के प्रति जब चित्त बहने लगता है तो उस समय जीव की जैसी शुद्धि होती है, आत्मा की शुद्धि, मन की शुद्धि होती है, तथा व्रत आदि भी न, व्रत आदि से वैसी शुद्धि नहीं होती। जथा सुजातया भक्त्या तथा व्रत आदि भी न, और दूसरा कोई भी व्रत व्यक्ति करे लेकिन हृदय की शुद्धि तो होती है भगवान के श्रवण कीर्तन से। और भी व्रत आदि से शुद्धि होती है लेकिन जैसी शुद्धि भगवान के नाम बोलने से होती है, कथा सुनने से, वैसी शुद्धि और व्रत आदि से नहीं होती। इसका कारण यह है कि श्री कृष्ण के चरण कमल के रस का जो आस्वादक है उसका हृदय शुद्ध हो जाता है और त्यागे हुए अति तुच्छ विषयों में उसका मन नहीं जाता है। और जो व्यक्ति अन्य प्रायश्चित करता है, अन्य कार्य करता है, तो उसका मन
पुनः पुनः विषयों में जाता रहता है, उसको इस श्लोक में कह रहे हैं। कृष्णांग्रि पद्म मधुलेन न पुनर्विशिष्ट माया गुणेषु रमते वृजिनावहेषु अन्यस्तु कामहत आत्मरज प्रमास्तु इहेत कर्म जतएव रजः पुनः स्यात्। कृष्णांग्रि पद्म मधुलेन, कृष्ण के चरण कमलों के मधु को लेधि आस्वादयति इति, जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल के मकरंद को, मधु को आस्वादित करता रहता है, जो भगवान की कथा में मस्त रहता है, कीर्तन करता है, सेवा करता है, तो वह विशिष्ट माया गुणेशु छोड़े हुए, त्यागे हुए, ये बड़े बड़े लोगों द्वारा तिरस्कृत माया के जो गुण हैं, विषय हैं, उनमें न रमते, वो नहीं रमता है। जिसका मन भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल के मकरंद को पी रहा है, रस को पी रहा है, तो इन तुच्छ विषयों में उसका मन नहीं जाता है। भगवान के कथा कीर्तन के रस में जो विभोर है, वो संसार के भोगों के तरफ नहीं जाता, उसका मन नहीं रमता है। क्योंकि संसार के जो भोग हैं वो वृजिना वयसु, केवल दुख देने वाले हैं, वृजिन दुख देने वाले हैं। यही संस्पर्शजा भोगा दुख यो न एवत। भगवद गीता में श्री भगवान कहते हैं कि जो इंद्रियों के संस्पर्शज भोग हैं, ये सब दुख की योनियां। केवल इतना नहीं कह रहे कि ये दुख हैं, दुख को पैदा करने वाले हैं अनेक प्रकार के दुख यो न। एक भोग भोगे आदमी तो उससे हजारों दुख उत्पन्न होता है। आंख से देखना, कान से सुनना, जिह्वा से खाना और शरीर से टच करना, ये आदमी भोगना चाहे तो और दुख उत्पन्न होते रहते हैं, इसमें कोई सुख नहीं है। इसीलिए यहाँ जमराज सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान के चरण कमल के मधु का आस्वादन करता है, कथा कीर्तन में रहता है, वह त्यक्त तुच्छ विषय सुखों में नहीं रमता है। लेकिन अन्य हतु, जो व्यक्ति भगवान कृष्ण के चरण कमल का रस नहीं पाया है और अन्य प्रकार का साधना करता है, साधक है, अन्यस्तु काम हत, अन्य जो होता है जिसका मन भगवान में नहीं लगा है, वो कामना से, संसार के भोगों की लालसा से अभिभूत हो जाता है, कंट्रोल्ड हो जाता है, और वह आत्म रजह परमाष्टुम, अपना पाप नष्ट करने के लिए, मन शुद्ध करने के लिए अगर दूसरा उपाय करता है, कर्म करता है, तो उसका मन पुनः रजोगुण में सम जाता है। क्योंकि आत्मा की, मन की शुद्धि अन्य कर्मों से नहीं हो सकती है, भगवान की भक्ति से होगी, नाम उच्चारण आदि से होगी। नैवम, अब कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, मान लीजिए महाराज परीक्षित ने शायद संकेत किया होगा, तब जमराज के दूतों ने क्या किया, प्रवचन तो किए जमराज जी, तो इन लोगों ने कुछ अनुमोदन वगैरह किया कि नहीं? जमराज के दूत सुन करके क्या किए? ये स्वाभाविक है ना कि जमराज जी ने उतना समझाया तो ये लोग क्या किए? ये लोग कहे होंगे कि हाँ ठीक है, या आप गलत बोल रहे हैं, क्या किया? तब कहते हैं सुखदेव स्वामी, इत्थम स्वभर्तृगदितम भगवन महित्वम संस्मृत विस्मित धियो जन किंकरास्ते नैवाच्युताश्रय जनम प्रतिसंकमानम द्रष्टुं च विद्यति ततः प्रभृति स्मरा। इत्थम स्वभर्तृ गदितम, गदितम का अर्थ कथितम, इस प्रकार अपने स्वामी के वचन को और खास करके भगवन महित्वम, जमराज जी के भगवन महिमा परक वचन को सुन करके जमराज जी के दूत जम किंकरा न विस्मित धिया, विस्मित नहीं हुए। एक अर्थ ही किया था, विस्मित नहीं हुए अर्थात उनको ज्ञान हो गया, उन्होंने कहा कि सत्यम वदसि, आप बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं, कोई अकस्मात नई बात कही जाती है तो विस्मय होता है, लेकिन जमराज के दूतों को विस्मय नहीं हुआ, उन लोगों ने जमराज पर विश्वास किया, कहा कि आप जो कुछ भी कहते हैं सत्यम उक्तम, इस तरह से माने, अथवा न को
अगर इधर लेंगे तो उसका अर्थ होगा कि भगवान की महिमा को, बड़ाई को सुन करके जमराज के दूत विस्मित दिया हो गए, बहुत विस्मित हुए, और उसी दिन से ततः प्रभृति, उसी दिन से अच्युताश्रय जन्म प्रति संकमाना, अब भगवान के आश्रित जन से, भक्त से बहुत डरने लगे, प्रति संकमाना। उस दिन से पूरा याद रखते हैं किसके पास नहीं जाना है, क्यों नहीं भक्त के पास जाते हैं। पहले वो सुने हैं जमराज से कि भगवान की गदा रक्षा करती है, अगर उनके निकट जाने की कोशिश किए तो गदा आकर के मारेंगे, धड़ाम से मर जाओगे, इसलिए कहीं मत जाओ। वो लोग उसी समय से डरते रहते हैं। उस भक्त के पास क्या, एक गांव में अगर भक्त रहता है तो उस गांव में नहीं जा सकते हैं, इतना डरते हैं। ततः प्रवृत्ति, उसी समय से, क्योंकि भगवान के दूतों ने इनको इतना कड़ा डांटा था, कहा था कि अगर छू दिया जामिल को तो तुम मर जाओगे, यहां मार देंगे हम लोग, बहुत बलवान थे। और जमराज जी ने बताया कि भगवान के पार्षद भगवान के भक्तों की रक्षा करते रहते हैं, और वो भी गदया गदा से रक्षा करते, गदा दूर से भी चलाई जाती है, तलवार वगैरह तो हाथ में ही लेकर के चलाते हैं, गदा ऐसे घुमा करके बहुत जोर जोर से मारा जाता है, तो कौन मरने जाए, नहीं बेचारे काम कर रहे हैं नरक में, ड्यूटी कर रहे हैं, यहाँ आकर के मरे कौन। तो ततः प्रभृति प्रतिसंक माने और बिभ्यति, डरते हैं। उस समय से काफी डरने लगे, अब नहीं आते हैं भक्तों के पास। तो ये पूरा अजामिल इतिहास सुना करके श्रील सुखदेव गोस्वामी अंत में कहते हैं, मान लीजिए सुनने वालों में से किसी किसी के मन में होगा कि ये सच्चा इतिहास है कि मन गढ़ंत ऐसे कह दिए, है ना। आजकल के बहुत बड़ा रोग है, आज से तो 5000 वर्ष पहले भी यही बात थी। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इतिहासं इमं गुह्यं भगवान कुंभ संभव कथयामास मलय आसीनो हरिमच्चन। इमं गुह्यम इतिहासम, यह परम रहस्यमय इतिहास, सच्ची घटना, इतिहास का अर्थ है बीती हुई घटना, यह इतिहास है, भूतकाल में घटना हो चुकी है, और इस इतिहास को भगवान कुंभ संभव, कुंभ का अर्थ घड़ा, घड़ा से अगस्त जी का जन्म हुआ था, सर्वज्ञ श्री अगस्त मुनि मलय पर्वत पर आसीन थे और भगवान की अर्चना करते हुए उन्होंने ये कथा हमको सुनाया था। सुखदेव गोस्वामी इसके प्रमाणिकता को बोल रहे हैं। एक तो उस तीर्थ में वो व्यक्ति कोई झूठ नहीं बोलेगा, मलय पर्वत भगवान का धाम माना गया है, तो मलय पर्वत पर वो भी व्यक्ति अगस्त जी परम समर्थ भगवान के परम भक्त वो बोले थे। कब बोले थे? मलय आसीन, बैठे थे अव्यग्र भाव से, यहां बैठने का अर्थ है कि व्यग्र नहीं थे कि इधर जल्दी जल्दी में सुना दें कुछ जोड़ जाड़ करके, बैठे थे खूब इत्मीनान से, और वो भी बारंबार भगवान के चरण को छू रहे थे विश्वास के लिए, जो सुखदेव गोस्वामी को सुना रहे थे और अन्य ऋषियों को, तो भगवान के अर्चा विग्रह के चरण को छू छू करके कहते थे। श्रीधर स्वामी जी लिखते हैं कि पुनः पुनः विश्वासार्थम हरे पादव स्पृशम, हरिम अर्चन भगवान की पूजा करते हुए अर्चना करते हुए सुनाए, इसका अर्थ ये नहीं है कि आरती कर रहे थे और सुना रहे थे या भजन कर रहे थे सुना रहे थे, यहाँ अर्चन का अर्थ कथा कह रहे थे, इस अजामिल प्रसंग को सुनाए थे सुखदेव गोस्वामी को, तो उठ उठ करके भगवान के चरण छूकर कहते थे कि ये सच्चा इतिहास है, सच्चा इतिहास है। इस तरह सुखदेव गोस्वामी उसको उद्धृत कर रहे हैं कि भगवान शब्द लगा करके कि सर्वज्ञ परम पूज्य अगस्त मुनि भगवान के चरण कमल को बार बार छू करके ये कह रहे थे कि ये सच्चा इतिहास है। वास्तव में विश्वास करना चाहिए कि ये सही घटना है, भगवान के नाम का ऐसा प्रभाव देखा गया, अजामिल मुक्त हुआ था। तो इस प्रकार से यह इतिहास प्रस्तुत किया गया। मैंने कोशिश किया कि आप लोग श्लोकों के निकट ज्यादा चलिए तो सारी बातें समझ में आती हैं, व्याख्या तो कितना भी किया जा सकता है, और श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत विस्तार से लिखा है इस प्रसंग पर।
वो पढ़ना चाहिए। तो मैं आप सब भक्तों का बहुत आभारी हूँ, कृतज्ञ हूँ कि आपने हमको एक अवसर दिया। भगवान की महिमा, भगवान के भक्त की महिमा, नाम की महिमा के स्मरण का यह मेरा भाग्य है कि भक्तों के बीच में मैं भगवान की महिमा बोल रहा हूँ जो सुखदेव गोस्वामी ने बोला है। और वास्तव में मैं तो अपने को धन्य मानता हूँ, मैं जहाँ भी जाता हूँ तो भक्तों के बीच में ही रोज रहता हूँ तो भक्तों के साथ आदान प्रदान होता रहता है। भगवान श्री कृष्ण की बहुत बड़ी दया है। आप सभी परम उत्साह के साथ भगवान की सेवा में लगे रहिए, सारे सिद्धांत समझ में आ ही रहा है, सुखदेव गोस्वामी का प्रवचन सुन रहे हैं, भगवान के पार्षदों का सुन रहे हैं और उसके बाद जमराज जी का सुने, तीन तीन व्यक्ति एक ही बात को कह रहे हैं, भगवान नाम के उच्चारण की महिमा। इसीलिए परम श्रद्धा के साथ भगवान की भक्ति में लगे रहना चाहिए, भगवान सारी सफलता देते हैं। हरे कृष्ण।